नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ अरहर की दाल। तो छौंका लगी अरहर की दाल के लिए मैंने अरहर की दाल धो के भिगा ली है 5 से 10 मिनट, और इसको मैंने कुकर में डाल दिया है। तो इसी के साथ हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ टमाटर, और इसके साथ डाल देंगे मसाले, नमक स्वाद अनुसार, जीरा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल अरहर की दाल छौंका लकी बन रही है। आधा लीटर करीबन हमने इसमें पानी डाल दिया है। तो इसमें हम ढक्कन लगा के इसको 2 से 3 सीटी लगाने के लिए रख देंगे। जब तक इसमें सीटी लगती है, हम जीरा राइस बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए बासमती चावल 1 गिलास मैंने भिगा लिए हैं। भिगाने के बाद 5 से 10 मिनट भिगा लिए थे, तो 1 गिलास मेरे पास चावल हैं, तो लगभग 3 गिलास उसमें हम पानी का ऐड कर लेंगे। तीन गुना हमें इसमें पानी ऐड कर देना है। और ये हमें माड़ निकाले हुए चावल बन रहे हमारे, तो इसको हम गैस में रख देंगे। ये जीरा राइस माड़ निकाल के ही बनेगा चावल हमारा। तो इसका पानी हमारा लगभग पकते हुए इसको हम 15-10 मिनट हो चुका है, तो 80% हमें इसे पका लेना है, पूरा नहीं पकाना है। तो 80% हमारा पक चुका है, तो इसका हम पानी, बाकी पानी इसका निकाल लेंगे। छन्नी से इसको छान लेंगे चावलों को। तो छानने के बाद जो छन्नी में चावल निकल गए, इसको वापस कुकर में डालेंगे। तो माड़ हमने निकाल दिया है, इससे खिले हुए बिखरे हुए चावल अच्छे से बनते हैं। तो इन चावलों को वापस, इसमें पानी नहीं है, इनको बराबर करछी से की सहायता से बराबर करके इसको ढक्कन लगा के 1 सीटी लगाने के लिए हम छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, 1 सीटी ही लगानी है, सीटी पूरी जैसे इसमें आ जाए तो उसके बाद हमें तुरंत गैस बंद कर देना है। तो 5 मिनट के लिए फिर इसको भाप में पकने के लिए छोड़ देना है। जब तक ये देखिए 1 सीटी इसमें प्रेशर बन चुका है, गैस मैंने बंद कर दी है। तो इधर अब हम इसको चावलों को छौंकने की तैयारी करते हैं। जीरा राइस बन रहा है हमारा। तो हमने एक कढ़ाई ले ली है, तो कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। तो 1 चम्मच घी डालने के बाद घी गर्म होने के लिए रख देते हैं। घी गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे हम 1/2 चम्मच जीरा। तो जीरा भी हमारा गरम हो चुका है, तो कुकर के बाकी सारे जितने चावल हैं इसमें डाल करके इसको भून लेंगे। तो जीरा राइस हमारा तैयार हो चुका है। अब हम दाल में तड़का लगाएंगे। तड़के वाला पैन ले लिया है, इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। तो घी गरम होने के बाद सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। तो जीरा भून रहा है, इसी के साथ 5 से 6 लहसुन की कटी हुई कलियां, और इसी के साथ हम इसमें हींग डाल दिया है हमने। तो ये डार्क ब्राउन हो जाएगा, भून चुका है, तो हम इसको दाल में मिला लेंगे। और इसी में थोड़ा दाल इसी में डाल करके जो रह गया वापस इसी में डाल देंगे। तो इसके साथ हरा धनिया कटा हुआ बारीक, और इसमें हम दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा पतली दाल रखनी है तो आप ये जो माड़ निकला था चावल का वो इसमें मिला सकते हैं। तो मैं स्किप कर रही हूँ, मुझे गाढ़ी दाल रखनी है। तो देखिए, जीरा राइस, माड़ निकला हुआ जीरा राइस और दाल, आपको कैसा लगा? सिंपल खाना है, बिल्कुल सिंपल, कोई ज़्यादा गर्म मसाले नहीं है। तो अब हम एक पापड़ भून रहे हैं। तो पापड़ को गैस के ऊपर रख के 4-5 बार पलटते हुए हमने भून लिया है। तो फ्रेंड्स, गरम गरम पापड़ को अगर आप फोल्ड करेंगे तो फोल्ड हो जाएगा, फिर बाद में नहीं होता है। तो आपको कैसा लगा अगर ये थाली, अगर पसंद आई सिंपल थाली।